के इस वीडियो में हम सेक्शन 10 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में बात करेंगे, जो कहता है कंडीशन रिस्ट्रेनिंग एलिनेशन। इस पर्टिकुलर सेक्शन को पढ़ने से पहले हमें सेक्शन 6 को ध्यान देना होगा। सेक्शन 6 क्या कहता है? सेक्शन 6 कहता है व्हाट मे बी ट्रांसफर्ड। अगर आपको याद हो तो हमने अपने कल के वीडियोस में जब हम सेक्शन 6 को पढ़ रहे थे तो हमने समझा कि लॉ फेवर करता है एलिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी रादर देन एक्युमुलेशन, यानी लॉ चाहता है कि जो प्रॉपर्टी है वो कंटिन्यूअसली एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के पास ट्रांसफर होता रहे, ठीक है। और सेक्शन 6 में हमने जाना कि जितने भी टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज हैं, वेदर मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इनटेंजिबल, ये सभी प्रॉपर्टीज ट्रांसफर्ड हो सकते हैं। सेक्शन 6 में हमने दो कंडीशंस के बारे में बात किया था। ए, नॉन ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी अंडर एनी अदर लॉ, यदि किसी अदर लॉज में कोई प्रॉपर्टी नॉन ट्रांसफरेबल है तो हम उसे ट्रांसफर नहीं कर सकते, और दूसरा नॉन ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट, जिसमें हमने सेक्शन 6 क्लॉज ए से लेकर के सेक्शन 6 क्लॉज आई तक बात किया। हमने उन सभी कैटेगरीज ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में बात किया जो कि क्या है, नॉन ट्रांसफरेबल है इस पर्टिकुलर एक्ट में, ठीक है। ओके, अब देखो सेक्शन 10 कहता है कंडीशंस रिस्ट्रेनिंग एलिनेशन, यानी सेक्शन 10 कहता है कौन कौन से कंडीशंस हैं जो एलिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी यानी प्रॉपर्टी के ट्रांसफर को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि सेक्शन 10 क्या कहता है इसका जो बैकग्राउंड है वो आपको समझ में आ गया, क्लियर। चलिए देखो, यानी आप कह सकते हो कि जो सेक्शन 10 है इट इज एक्सेप्शन टू दिस रूल, एलिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी। Rather than accumulation, section 10 क्या है? It is exception of this rule, alienation of property rather than accumulation, क्योंकि ये अपने आप में उन सभी कंडीशंस को इंक्लूड करता है जो हमारे प्रॉपर्टी के एलिनेशन के ऊपर एक रेस्ट्रिक्शंस इंपोज करते हैं, क्लियर। चलिए अब देखो, जब कभी भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाती है एक पर्सन के द्वारा दूसरे पर्सन को, तो प्रॉपर्टी का पोजीशन तो ट्रांसफर होता ही है, साथ ही साथ ओनरशिप भी ट्रांसफर होता है, ठीक है। नाउ जब एक प्रॉपर्टी का ओनरशिप किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर होता है तो उसके पास उस प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कुछ राइट्स आ जाते हैं, जैसे कि पहला राइट ऑफ एंजॉयमेंट, उस प्रॉपर्टी का अब वो बेनिफिट ले सकता है।
दूसरा राइट टू एक्सक्लूड अदर्स, वो दूसरे पर्सन्स को उस प्रॉपर्टी से एक्सक्लूड कर सकता है। तीसरा राइट टू डिस्पोज और ट्रांसफर, अब चूंकि वो उस प्रॉपर्टी का ओनर है, उस प्रॉपर्टी का पोजीशन अब उसके पास है, तो उस प्रॉपर्टी को वो फर्दर डिस्पोज कर सकता है, यानी कि ट्रांसफर कर सकता है। ट्रांसफर किस माध्यम से कर सकता है? सेल के माध्यम से, मॉर्गेज के माध्यम से, लीज के माध्यम से, गिफ्ट्स के माध्यम से, एक्शनेबल क्लेम के माध्यम से, और आने वाले सेक्शंस में हम इन्हीं सभी टाइम्स ऑफ ट्रांसफर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और जो लास्ट उसका राइट है, राइट ऑफ डिस्ट्रक्शन, यानी राइट टू डिस्ट्रॉय, वो प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक है। यानी सिंपल सी बात है, जब एक प्रॉपर्टी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर होती है तो उस प्रॉपर्टी का ओनरशिप उसके पास आता है, प्रॉपर्टी का पोजीशन उसके पास आ जाता है, और साथ ही साथ उसके पास ये चारों राइट्स उसके पास आ जाते हैं। कौन कौन से राइट्स हैं? पहला राइट ऑफ एंजॉयमेंट, दूसरा राइट टू एक्सक्लूड अदर्स, तीसरा राइट टू डिस्पोज और ट्रांसफर, और चौथा राइट टू डिस्ट्रॉय। क्लियर? ओके, अब देखो, अगर हम सेक्शन 10 से सेक्शन 18 को देखें, सेक्शन 10 टू सेक्शन 18, ये रूल अगेंस्ट एलिनेशन के बारे में बात करते हैं। यानी जो सेक्शन 10 से 18 तक जो ये 8 सेक्शंस हैं, ये रूल अगेंस्ट एलिनेशन के बारे में बात करते हैं। यानी आप कह सकते हो कि उन सभी कंडीशंस के बारे में बात करते हैं जो एलिनेशन यानी ट्रांसफर को रेस्ट्रिक्ट करते हैं। क्लियर? ओके, अब देखो सेक्शन 10 क्या कहता है, उसे हम कुछ पॉइंट्स के माध्यम से समझते हैं। क्लियर? देखो सेक्शन 10 कहता है, व्हेन अ प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड, जब हम एक प्रॉपर्टी को ट्रांसफर्ड करते हैं, सब्जेक्ट टू अ कंडीशन, एक कंडीशन इंपोज करते हुए, यानी व्हेन अ प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट टू अ कंडीशन, एक कंडीशन इंपोज करते हुए, एक लिमिटेशन इंपोज करते हुए, एब्सोल्यूटली रिस्ट्रेनिंग द ट्रांसफरिंग। रिस्ट्रेनिंग का मतलब क्या है? रिस्ट्रिक्टिंग। देखो जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करेगा उसे हम कहेंगे ट्रांसफरर, ठीक है, और जिसके पास प्रॉपर्टी जाएगा उसे हम कहेंगे ट्रांसफरिंग। क्लियर? अब देखो कुछ बातें हैं, अगर ट्रांसफरर अपने प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है दूसरे पर्सन के पास जो कि ट्रांसफरी है, तो प्रॉपर्टी के साथ साथ ओनरशिप का भी ट्रांसफर हो रहा है, और पोजीशन किसके पास आ रहा है? ट्रांसफरी के पास आ रहा है, और उस प्रॉपर्टी से जुड़े जो भी राइट्स हैं, जो चार राइट्स हैं, वो भी किसके पास आ रहे हैं? इस ट्रांसफरी के पास आ रहे हैं। कौन कौन से राइट्स हैं? राइट ऑफ एंजॉयमेंट, राइट ऑफ एंजॉयमेंट, दूसरा राइट टू एक्सक्लूड अदर्स,
तीसरा राइट टू डिस्पोज या इसे राइट टू ट्रांसफर भी कहते हैं, और चौथा राइट ऑफ डिस्ट्रक्शन। ये सभी राइट्स किसके पास आ रहे हैं? ट्रांसफरी के पास आ रहे हैं। ठीक है, अब इस चीज को अपने दिमाग में रखो। अब देखो कह रहा है व्हेन अ प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट टू अ कंडीशन, एक कंडीशन डालते हुए, लिमिटेशन डालते हुए, एब्सोल्यूटली रिस्ट्रेनिंग, यानी हम एब्सोल्यूटली रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। अब जो रिस्ट्रेन होता है, जो रिस्ट्रिक्शन होता है, वो दो टाइप्स का होता है। एक होता है एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन, दूसरा होता है पार्शियल रिस्ट्रिक्शन। उसे अभी हम समझेंगे। फिलहाल समझो कि एब्सोल्यूटली हम उसे रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, किसे? ट्रांसफरी को, या एनी अदर पर्सन क्लेमिंग अंडर हिम, कोई अदर पर्सन जो ट्रांसफरी के साइड का है या जो ट्रांसफरी की तरफ से है। ठीक है, और हम उसे एब्सोल्यूटली रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि यू कैनॉट डिस्पोज, आप डिस्पोज नहीं कर सकते हो, और इंपार्टिंग हिम नॉट टू डिस्पोज प्रॉपर्टी, या उसे प्रॉपर्टी को डिस्पोज करने से रोक रहे हैं। यानी जो उसके पास चार राइट्स हैं, उसमें से जो उसका तीसरा राइट है, राइट टू डिस्पोज या राइट टू ट्रांसफर, हम इसे वोलेट कर रहे हैं, हम उसके इस राइट को क्या कर रहे हैं, कैप्चर कर रहे हैं। वी आर नॉट अलाउंग हिम टू यूज हिज थर्ड राइट रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी विच इज राइट टू डिस्पोज ऑफ और राइट टू ट्रांसफर। ठीक है, कि वो डिस्पोज नहीं कर सकता या उसे डिस्पोज करने से हम रोक रहे हैं प्रॉपर्टी को। तो ऐसे सभी कंडीशन, ऐसे सभी लिमिटेशन क्या होते हैं? वॉइड होते हैं। आई होप कि सेक्शन 10 क्या कहता है वो आपको समझ में आ गया होगा। यानी इन शॉर्ट आप समझो, जब कभी भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होता है और हम एक कंडीशन पे ट्रांसफर करते हैं, लिमिटेशन लगाते हैं कि जो ट्रांसफरी है या कोई अदर पर्सन जो ट्रांसफरी के अंदर है, वो प्रॉपर्टी को डिस्पोज नहीं कर सकता है, फर्दर ट्रांसफर नहीं कर सकता है, या उसे डिस्पोज करने से हम रोक रहे हैं, तो ऐसे सभी कंडीशंस, ऐसे सभी लिमिटेशंस क्या होते हैं? वॉइड होते हैं। ठीक है जी, ओके। अब देखो तो ये सेक्शन 10 है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब जो ये रिस्ट्रेन होता है, ये दो टाइप्स का होता है। एक होता है एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट और दूसरा होता है पार्शियल रिस्ट्रेंट। एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट और दूसरा पार्शियल रिस्ट्रेंट। ठीक है, क्या होता है एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट? देखो अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। एक केस लॉ है हमारे पास, रॉसर वर्सेस रॉसर, रॉसर वर्सेस रॉसर। ठीक, इस केस में क्या था? देखो, ए ने एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया था बी को। ए ट्रांसफर्ड प्रॉपर्टी टू बी बाय गिफ्ट, गिफ्ट के माध्यम से, इंपोजिंग अ कंडीशन, एक कंडीशन डालते हुए, दैट बी कैनॉट सेल द प्रॉपर्टी टू एनी अदर पर्सन टिल हिज वाइफ इज अलाइव। यानी ए बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है गिफ्ट के माध्यम से, और एक कंडीशन इंपोज करता है कि जो बी है वो ए के पत्नी के जीवित रहते हुए उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। लेकिन अगर वो उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना चाहता है, तो उस प्रॉपर्टी को केवल ए के वाइफ को ही ट्रांसफर करेगा। प्रॉपर्टी का जो एक्चुअल कॉस्ट है वो है कितना है? 10 लाख रुपीज। ठीक है, लेकिन जब वो प्रॉपर्टी ए के वाइफ को ट्रांसफर करेगा, तो 10,000 रुपए में ही ट्रांसफर करेगा। तो ऐसे सभी ट्रांसफर क्या है? वॉइड एप इश्यू है, बिकॉज इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट। क्योंकि यहां पे ए ने क्या किया, इन्हें बी का जो राइट टू डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी था, उसे क्या किया है? रेस्ट्रिक्ट कर दिया है।
कि आप क्या करोगे, आप केवल अगर सेल कर रहे हो, अगर प्रॉपर्टी को दोबारा से डिस्पोज करोगे तो किसको करोगे, वाइफ को करोगे। और ये कंडीशन क्या है, एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट का कंडीशन है। तो ऐसे सभी कंडीशंस क्या है, वॉइड एप इनिशियो है, ठीक है, ओके। और क्योंकि यहां पे बात किया गया है एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट के बारे में, ठीक है, तो अगर रिस्ट्रेंट क्या है, एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट है, तो कंडीशन क्या होगा, वॉइड, ठीक है। अब दूसरा है मान लो पार्शियल रिस्ट्रेंट का, तो पार्शियल रिस्ट्रेंट क्या होगा, वैलिड होगा। यानी इसमें क्या होता है कि ट्रांसफर के पार्शियल राइट्स को हम क्या करते हैं, वॉयलेट करते हैं, उसके फुल राइट्स को हम वॉयलेट नहीं करते, ठीक है। अब इसे एक केस से समझते हैं, माता प्रसाद वर्सेस, माता प्रसाद वर्सेस नागेश्वर सहाय, ठीक है, माता प्रसाद वर्सेस नागेश्वर सहाय, ये पार्शियल रेस्टोरेंट का केस है। इसमें क्या था कि एक विडो थी और उसका एक नेफ्यू था, इन दोनों के बीच सक्सेशन को लेकर के डिस्प्यूट था। कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने कहा कि जब तक विडो जिंदा है तब तक वो प्रॉपर्टी का जो पोजीशन है वो उस विडो के पास रहेगा, लेकिन जो टाइटल है प्रॉपर्टी का वो नेफ्यू के पास रहेगा, ठीक है। लेकिन विडो के मरने के बाद जो प्रॉपर्टी का पोजीशन है वो नेफ्यू के पास चला जाएगा, टाइटल तो अभी भी इसके पास है। तो ये क्या था, ये पार्शियल रेस्टेंट का केस था। तो अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा रही है और उस पर पार्शियल रेस्टेंट का कंडीशन लगाया जा रहा है तो सभी ट्रांसफर क्या होंगे, वैलिड होंगे, क्लियर, ओके। अब देखो, अब हम इस सेक्शन के एक्सेप्शन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। यानी मान लो ट्रांसफर हो रहा है और उस ट्रांसफर में एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट का कंडीशन है, वैसे तो वॉइड है, लेकिन अगर ट्रांसफर में कुछ कंडीशंस हैं, अगर ट्रांसफर है और ट्रांसफर में एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट का कंडीशन लगाया गया है तो भी वो वैलिड होंगे। दो इसके एक्सेप्शन हैं, पहला है इन केस ऑफ लीज, लीज के केसेस में जहां कंडीशन लगाया जाता है, जहां एक लेजर कुछ कंडीशन लगाता है अपने बेनिफिट के लिए ताकि लेजी उसका कोई बेनिफिट ना ले सके, ठीक है। तो लीज के कंडीशन में अगर लेजर कुछ कंडीशंस लगाता है अपने बेनिफिट के लिए तो वो सभी कंडीशंस क्या होंगे, वैलिड होंगे, भले ही वो एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट के कंडीशंस हो, ठीक है। और दूसरा है मैरिड वुमेन के केसेस में, ठीक है, अगर मैरिड वुमेन है एक्सेप्ट हिंदू मुस्लिम और बुद्धिस्ट, अगर कोई मैरिड वुमेन है, ठीक है, हिंदू मुस्लिम बुद्धिस्ट को छोड़ करके, तो वो मैरिड वुमेन, देखो क्या कहते हैं, मान लो अगर कोई पारसी मैरिड वुमेन है, ठीक है, और उसे कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड किया गया है, ये कंडीशन डालते हुए अ पारसी मैरिड वुमेन इफ ऑन हर एनी प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट टू अ कंडीशन रेस्ट्रिक्टिंग एलिनेशन टू एनी अदर पर्सन, ये कंडीशन डालते हुए कि आप इस प्रॉपर्टी को दूसरे पर्सन को ट्रांसफर नहीं करोगे। अगर किसी मैरिड वुमेन एक्सेप्ट हिंदू मुस्लिम और बुद्धिस्ट इनको छोड़ करके कोई मैरिड वुमेन है उसे कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया गया है, एब्सोल्यूट रेस्ट्रिक्शन का कंडीशन डालते हुए कि फर्दर वो किसी पर्सन को ट्रांसफर नहीं करेगी, तो ऐसे कंडीशंस क्या होंगे, वैलिड होंगे इन केस ऑफ मैरिड वुमेन, ठीक है, ओके। अब तो ये था सेक्शन 10 और इसके दो एक्सेप्शंस। आई होप कि इस छोटे से वीडियो में आपको सेक्शन 10 और उसके एक्सेप्शंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दें। थैंक यू सो मच, हैव अ ब्राइट फ्यूचर।